तो हम लोगों ने पॉलीनोमियल रिंग डिस्कस किया था, और मैंने बताया था कि हम एफ को एक फील्ड लेकर के चल रहे हैं, और उसके द्वारा जो पॉलीनोमियल रिंग है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडीड हम लोगों ने एक इंटीग्रल डोमेन लेकर के हम लोग चले थे कि आर इंटीग्रल डोमेन है, तो उसके करिस्पॉन्डिंग आर एक्स पॉलीनोमियल रिंग की बात किया था। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो पॉलीनोमियल रिंग आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन होगा। और आज हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करेंगे कि अगर आर सिर्फ इंटीग्रल डोमेन ना हो बल्कि एक फील्ड हो, तो यहाँ पे हम लेकर के चल रहे हैं, तो उस केस में डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड करता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, मीन्स लेट एफ बी ए फील्ड एंड लेट कोई दो पॉलीनोमियल ले लिया जाए, लेट एफ एक्स जी एक्स बी एनी टू पॉलीनोमियल्स एफ एक्स जी एक्स। एफ एक्स जी एक्स बी एनी टू पॉलीनोमियल्स ओवर फील्ड एफ वेयर जी एक्स इज नॉन जीरो। तो हम कहना चाह रहे हैं, अच्छा डिवीजन एल्गोरिथम इन जेड क्या है, कोई बताएगा? कोई दो इंटीजर्स एम और एन ले लें, एम जीरो ना हो तो एम का एन में भाग देते हैं तो सर्टेन कोसेंट और सर्टेन रिमाइंडर आता है, यही ना होता है? और होती रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर पे जो कंडीशन होता है वो या तो जीरो होता है या रिमाइंडर अगर पॉजिटिव है तो जिससे भाग दे रहे हैं डिवाइजर से वो कम होता है, छोटा होता है। तो पॉलीनोमियल रिंग में क्या होता है कि अगर हम दो पॉलीनोमियल लें एफ एक्स जी एक्स जहाँ पे जी एक्स जीरो ना हो, तो हमें यूनिक पॉलीनोमियल्स मिलते हैं, यूनिक पॉलीनोमियल्स कोसेंट को क्यू एक्स लिख दें, रिमाइंडर को आर एक्स इन दिस पॉलीनोमियल रिंग सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स वेयर आइदर आर एक्स इज जीरो, और अगर यह नॉन जीरो है तो उस केस में आर एक्स की जो डिग्री होगी, डिग्री आर एक्स इस पॉलीनोमियल की जो डिग्री होगी, डिग्री जी एक्स से छोटी होगी। यहाँ पे ब्रैकेट अननेसेसरी हमने लगा दिया है, इसको आप हटा सकते हो। एक मिनट, इसको इसको सही कर लिया जाए। डिग्री आर एक्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अच्छा, यस सर। तो प्रूफ कैसे लिखेंगे, इंटरेस्टिंग है जो है। तो इसको शुरुआत कैसे किया जाए, हमें ये दिखाना है कि क्यू एक्स और आर एक्स मिलेंगे, पहला हम ये कहेंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे ये जो क्यू एक्स और आर एक्स है ये यूनिक होगा, है ना? तो दो पॉसिबिलिटी है, इफ एफ एक्स इज जीरो, अगर एफ एक्स जीरो है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, देन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू जी एक्स प्लस जीरो, है ना? ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब कि इसको ऐसे कहें कि क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स वेयर, यहाँ क्यू एक्स क्या है? जीरो
जीरो है और आरएक्स भी क्या है, जीरो। जीरो है। तो ये तो अगर जीरो है तब तो बात बन गई। तो सपोज दैट ये जो पॉलीनोमियल है ये जीरो नहीं है, एफ एक्स इज नॉन जीरो, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक मिनट मैंने क्या लिख दिया, हाँ एक मिनट ठीक। और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, डिग्री एफ एक्स जो है डिग्री क्यू एक्स से छोटा हो या बड़ा हो। तो इफ़ डिग्री डिग्री ऑफ एफ एक्स, अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स अगर यह जी एक्स से छोटा है, अच्छा किसी बड़े नंबर का किसी छोटे कोई बड़ा पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, डिवाइजर बड़ा है और जिसमें डिविडेंड जो है छोटा है, तो कितना कोसेंट आता है? जिसे 5 में अगर 10 का भाग दें, इंटीजर में बात कर रहे हैं है ना, तो कितना कोसेंट होगा और कितना रिमाइंडर होगा? क्वेश्चन 2 होगा, रिमाइंडर देख लीजिए, सॉरी देख लीजिए। तो हमने एज्यूम किया कि एफ एक्स नॉन जीरो पॉलीनोमियल है, तो दो पॉसिबिलिटी है डिग्री की, कि डिग्री इसका जी एक्स से छोटा भी हो सकता है और डिग्री जी एक्स से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। सुजीत बिंद मेरी आवाज़ सुन रहे हो बेटा? अपना मेल आईडी जो है ग्रुप में शेयर कर देना। तो अगर डिग्री एफ एक्स, आप लोग ध्यान दीजिए इसको, सोचिए उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, कि अगर ऐसा हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स में जी एक्स का भाग दे दें, तो 0 × gx लिख दें प्लस एफ एक्स लिख दें। मीन्स कहने का क्या मतलब है, qx × gx प्लस rx, और यहाँ पे qx कितना है, जीरो। जीरो है, और rx कितना है, एफ एक्स। और देखिए rx जीरो नहीं है, है ना, क्यों? क्योंकि एफ एक्स तो जीरो नहीं है ना। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, क्लियरली डिग्री ऑफ आर एक्स, आर एक्स तो एफ एक्स है ना, तो इसको डिग्री ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं। और एफ एक्स की डिग्री आपने क्या लिया है, लेस देन डिग्री जी एक्स। less than तो gx इसका मतलब हमने अगर डिग्री इससे छोटी है तो इस केस में भी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पे क्यू एक्स तो जीरो होगा। इसको यहाँ एफ एक्स जोड़ दें और आर एक्स जो है जीरो नहीं होगा, लेकिन आर एक्स की जो डिग्री है वो जी एक्स की डिग्री से छोटी है। तो ये जो कंडीशन है, हम ये जो कहना चाहते हैं कि क्यू एक्स और आर एक्स मिलेंगे जहाँ पे या तो आर एक्स जीरो होगा या इसकी डिग्री जिसे भाग दे रहे हैं उससे छोटी होगी। तो ये बात इस केस में होल्ड कर रही है कि नहीं? यस सर। तो ये पॉसिबिलिटी जो थी इसको तो हमने चेक कर लिया। अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, डिग्री ऑफ एफ एक्स की हो सकता है कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स हो। क्यों ऐसा ले सकते हैं? और मान लिया जाए कि सपोज दैट डिग्री, सपोज दैट सीधे ऐसे पॉलीनोमियल ही ले लिया जाए, सपोज दैट एफ एक्स की डिग्री मान लेते हैं एन है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस डट 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 ए एन एक्स पावर एन, वेयर ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे डिग्री क्या
क्या हो जाएगी, डिग्री एफ एक्स कितनी होगी, एन एन, और जी एक्स को मान लिया, जी एक्स को मान लिया बी जीरो प्लस बी वन एक्स प्लस डट 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 बी एम एक्स पावर एम, जहाँ पे बी एम जीरो नहीं है, तो इसका मतलब जी एक्स की डिग्री कितनी हो गई, एम एम, जी है ना। अच्छा जरा इसका भाग दे दीजिए, तो जी एक्स का ऐसे इसको लिख लिया जाए, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डट 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 ए जीरो, इसमें आप इसका जी एक्स का भाग दीजिए, बी एम एक्स पावर एम प्लस डट 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 बी वन एक्स प्लस बी जीरो, इसका भाग देंगे तो कितना बार ले जाएंगे, आप लोग पॉलीनोमियल का डिवीजन जानते हैं। यहाँ पे बताइए कितना बार ले जाएंगे, ए एन एक्स पावर एन प्लस, इसमें हम भाग दे रहे हैं, कितना बार ले जाएंगे बताइए, गुणांक ए एन लाना है और पावर एक्स पावर एन लाना है, तो क्या करें, ए एन अपान बी एम इंटू एक्स पावर एन माइनस एम बार ले जाएं, यस तो ये कितना आएगा, इतना आ जाएगा ना, अब सर, प्लस गुणा कर दीजिए, ये जो आएगा हम डट डट करके लिख दे रहे हैं, आप घटाएंगे जब तो ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा ना, यस जो बचेगा उसको मान लीजिए एफ वन एक्स है ना, जो बचेगा हमने मान लिया क्या है, एफ वन एक्स है, ठीक। तो देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये जस्ट मैं दिखाना चाह रहा था, तो टेक टेक हम एक पॉलीनोमियल बना रहे हैं एफ वन एक्स, कैसे पॉलीनोमियल बनाए, हमने ये बार ले गया, हम इतना कोसेंट ले गए और इसको यूज किया हमने, तो एफ वन एक्स क्या है, यह तो आपका एफ एक्स है और यह आपका क्या है, ये वाला पूरा जीएक्स जी एक्स है, और ये जो आपने लिखा है नीचे वाला टर्म, यहाँ पे इतना है तो जी एक्स में गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया बताएंगे, ए एन बी एम पावर माइनस वन एक्स पावर एन माइनस एम इंटू, लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए, यस सर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो जो आएगा वही ना ये होगा, और घटाने पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमने ले लिया एफ एक्स माइनस ए एन बी एम पावर माइनस वन एक्स पावर एन माइनस एम जी एक्स, तो इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, एन माइनस छोटी इसकी डिग्री कम हो जाएगी ना एन से, हो जाएगी, यस भाई एक्स पावर एन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, हेंस डिग्री ऑफ एफ वन एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एफएक्स एफ एक्स, ठीक, इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। सर, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, हियर वी यूज, हियर वी यूज इंडक्शन
ऑन डिग्री एफ एक्स है ना, और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन यूज कर रहे हैं। मीन्स सपोज द वन के लिए तो आसानी से आप बता सकते हैं कि ये हो गया, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि सेकंड काइंड ऑफ इंडक्शन प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं। तो पहले हमें बता दें इसको, टेक दिस हेंस इसकी डिग्री कम हो गई, अ क्लियरली ये एफ वन एक्स हो सकता है जीरो हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है अगर देखिए दो बातें हैं, ये बात पहले ना कहा जाए, नहीं तो फिर क्योंकि ये बात हम यहाँ कहेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर यह जीरो हो गया तब तो जीरो की डिग्री तो नहीं ना डिफाइन होती है, इसको हम और क्लियर कर दें, ऐसे कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा बस। ओह एक मिनट, यहाँ पे कितना था, ए एन बी एम पावर माइनस वन एक्स पावर एन माइनस एम। तो दो बातें हो सकती है, हो सकता है ये जीरो हो जाए, अगर मतलब ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, ये पूरा पूरा कट जाए, तब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो नहीं होगा तो कम से कम तो ये टर्म तो कैंसिल हो ही रहा है कि नहीं। तो इसकी डिग्री क्या होगी, अगर यह जीरो हो गया तो कोई बात नहीं, अगर ये जीरो नहीं हुआ तो मतलब कुछ टर्म बचेंगे, तो बचेंगे कहाँ से कहाँ तक, इधर के ही कुछ टर्म बचेंगे, तो इसका मतलब इसकी डिग्री एन से कम होगी, एन से कम मतलब डिग्री ऑफ एफ एक्स से कम होगी। तो यहाँ पे हमने ये जो दिखाया, हमने हम इंडक्शन यूज कर रहे हैं, तो अगर डिग्री इसकी वन है तो कुछ करना ही नहीं है, आसानी से तुरंत कर सकते हैं। और हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉलीनोमियल हुज डिग्री इज लेस देन एन, यहीं पे ऐड कर लीजिए, सपोज दैट, इसको क्लियर कर लिया जाए, द रिजल्ट इज ट्रू मतलब कि वो जो डिवीजन एल्गोरिथम है इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉलीनोमियल्स, ऑल पॉलीनोमियल्स हुज डिग्री लेस देन एन। तो बाय इंडक्शन अगर यह जीरो है तब तो कुछ करना ही नहीं है, अगर यह जीरो नहीं है तो चूंकि डिग्री एफ ओन एक्स क्या हो गया, एफ एक्स से कम है, तो बाय इंडक्शन प्रिंसिपल एफ ओन एक्स के लिए इंडक्शन यूज कर लिया जाए, क्या होगा बताइए। हमने अभी बताया कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉलीनोमियल्स हुज डिग्री लेस देन एन, तो डिग्री एफ ओन एक्स की डिग्री, एफ ओन एक्स की डिग्री क्या है, डिग्री एफ एक्स तो एन है ना, एन है, तो डिग्री एफ ओन एक्स की डिग्री एन से छोटी है, तो इस फैक्ट से हम क्या लिख सकते हैं, बाय इंडक्शन प्रिंसिपल देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स आर एक्स इन एफ एक्स मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, सच दैट, तो एफ वन एक्स के लिए रिजल्ट ट्रू है, इसका मतलब एफ वन एक्स में जब जी एक्स का भाग देंगे तो सम कोसेंट आया, सम कोसेंट आया और सम रिमाइंडर आया, जहाँ पे वेयर आइदर आर एक्स क्या होगा, जीरो
या या फिर लेस देन हाँ डिग्री ऑफ जी एक्स। वेरी गुड, डिग्री जी एक्स। तो ये जो वैल्यू है, अब इसको सेकेंड इक्वेशन ले लिया जाए, ये वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें स्टार में रख दीजिए, माइक ऑफ कर लो बेटा। यूजिंग सेकेंड स्टार इन स्टार, ये वैल्यू वहाँ पे रख दीजिए। तो आप लोगों ने देखा था कि एफ एक्स क्या था, कहाँ गया, एक मिनट, स्टार को हमने एफ ओन एक्स लिखा है ना, तो एफ ओन एक्स की जगह ये लिख दिया जाए। तो एफ ओन एक्स की जगह आप लिखिए इसको, तो क्यू एक्स जी एक्स प्लस आर एक्स इज इक्वल टू ए एन बी एम पावर माइनस वन एक्स पावर एन माइनस एम माइनस कितना एफ एक्स, यही ना, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, एक्स माइनस एफ एक्स माइनस इंटू यहाँ पे जी एक्स रहेगा। इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में, और रीअरेंज कर लीजिए जरा। एफ एक्स को एक साइड रख दीजिए, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे को इस साइड लाइए और इसके साथ एडजस्ट करिए। तो क्या इसको इतना नहीं लिख सकते, ए एन बी एम पावर माइनस वन एक्स पावर एन माइनस एम इंटू फिर प्लस क्यू एक्स, और जी एक्स यहाँ भी है, जी एक्स यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो जाएगा, जी एक्स प्लस आर एक्स। और आर एक्स पे क्या क्या कंडीशन है जरा देखिए, इसी को अब यहाँ क्यू एक्स ले लीजिए, है ना। इक्वल टू इसको मान लीजिए क्यू वन एक्स कर दीजिए, क्यू वन एक्स जी एक्स प्लस आर एक्स, वेयर वेयर आर एक्स भी, और देखिए क्यू वन एक्स क्या है, क्यू एक्स तो पॉलीनोमियल है, यह भी एक पॉलीनोमियल है, तो पॉलीनोमियल का सम भी पॉलीनोमियल होगा। सर तो ये क्यू एक्स प्लस ये जो है ए एन बी एम पावर माइनस वन एक्स पावर एन माइनस एम, ये दोनों पॉलीनोमियल हुए। और साथ ही साथ इस आर एक्स पे क्या कंडीशन है, यहाँ से देखिए ये जो आर एक्स है इसकी क्या खास बात है। यहाँ से देखा जाए, वेयर दिस एंड आइदर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, आर डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स किससे छोटा था, डिग्री ऑफ एफ ओन एक्स से, और डिग्री ऑफ एफ ओन एक्स किससे कम है, एन से ना, एफएक्स एफ एक्स से। तो इसका मतलब हमको सम वी हैव टू पॉलीनोमियल्स दिस एंड दिस सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी इस फॉर्म का। तो ये इसका मतलब कि एग्जिस्टेंस तो हमें मिल गया है ना, दैट इज देर एग्जिस्ट टू पॉलीनोमियल्स सच दैट दैट इज। तो ये तो यहीं पे हमने लिख ही दिया इसको। अब हम यूनिकनेस की बात करते हैं, ये हमें पता चल गया कि देयर एग्जिस्ट टू पॉलीनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स, तो यूनिकनेस में कैसे लेकर के चलेंगे बताइए। मान लेंगे कि दो अलग अलग पॉलीनोमियल मिल रहे हैं, लेट एफ एक्स में जी एक्स को भाग दे रहे हैं, तो एक बार कोसेंट क्यू वन एक्स आ रहा है, रिमाइंडर आर वन एक्स आ रहा है। इसको इक्वेशन कुछ नंबरिंग हम कर देते हैं, वन कर दे, शायद वन टू नहीं यूज किए हैं। और दूसरा जो है मैंने जी एक्स
प्लस आर टू एक्स, जहाँ पे वेयर एक क्यू वन एक्स, क्यू टू एक्स, आर वन एक्स, आर टू एक्स, ये दो पॉलीनोमियल हैं एफ एक्स के, सच दैट आइदर आर वन एक्स, ये पूरा यहीं पे लिख देना चाहिए था, एक साथ लिखने में भाषा बनाने में दिक्कत हो रही है, वेयर सच दैट आइदर आर वन एक्स इज इक्वल टू जीरो आर डिग्री आर वन एक्स लेस देन कितना, जिससे भाग दे रहे हैं, हाँ, और वही बात आर टू एक्स के लिए भी होगी, वे एंड आइदर आर टू एक्स इज जीरो आर डिग्री ऑफ आर टू एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, इतना लिखने में किसी को कोई दिक्कत? ये तो हमने एज्यूम किया है ना, अभी हमने प्रूव किया ना कि एग्जिस्ट कर रहा है क्यू एक्स आर एक्स, तो हमने मान लिया, हमें प्रूव करना है कि ये क्यू एक्स और आर एक्स यूनिक होंगे, तो हमने मान लिया कि नहीं यूनिक नहीं है, मतलब एक बार क्यू वन एक्स आर वन एक्स मिल रहा है कोसेंट रिमाइंडर, और एक जगह जो है क्यू टू एक्स आर एक्स टू एक्स मिल रहा है, तो वन में से टू घटा दीजिए क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड जीरो मिलेगा, राइट हैंड साइड क्या मिलेगा भाई, क्या इतना लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं? अच्छा जरा यहां से देखिए, दैट इज इसको थोड़ा सा और रीराइट कर लिया जाए, तो इसको लिख सकते हैं आर वन एक्स माइनस आर टू एक्स इज इक्वल टू क्यू टू एक्स माइनस क्यू वन एक्स इंटू जी एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। अब जरा सोचिए, अगर यह जीरो नहीं है, अगर यह जीरो नहीं है तो इसकी डिग्री क्या होगी? देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जीरो है, तो अगर आर वन एक्स माइनस आर टू एक्स जो है ये जीरो नहीं है तो क्या होगा? एक से छोटा होगा। अच्छा हाँ, अच्छा जरा देखिए कि आर वन एक्स की डिग्री दो पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी में आर वन एक्स की डिग्री जी एक्स से कम है, आर टू एक्स की भी डिग्री जी एक्स से कम है ना, तो आर वन माइनस आर टू एक्स की डिग्री जो है जी एक्स से क्या होगी, जी एक्स की डिग्री से क्या होगी? कम होगी। कम होगी ना? Yes, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो यह जीरो क्वांटिटी है, या तो इसकी डिग्री जो है यहाँ से, अगर यह जीरो नहीं है, अगर यह जीरो नहीं है तो इसकी डिग्री जो है जी एक्स से क्या होगी? छोटी होगी। छोटी होगी। और हाँ एक मिनट, इसकी डिग्री, एक मिनट यहाँ पे एक ट्रिक है, इसकी डिग्री, एक मिनट, हाँ देखिए ऐसे ना, अगर यह जीरो नहीं है तो दैट इज ये जो क्वांटिटी है क्यू टू एक्स माइनस क्यू वन एक्स, इसकी डिग्री दैट इज, तो जरा ऐसे देखिए, इफ दिस देन दैट इज, नहीं देन देन डिग्री ऑफ आर वन एक्स माइनस आर टू एक्स, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक था, इसको देखिए ये डिग्री ऑफ इतना होगा कि नहीं,
मैं ब्रैकेट थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ, एक मिनट। जरा देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, एक मिनट इसको बोल के थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ। यहाँ पे देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डिग्री ऑफ, अच्छा फिर वही ब्रैकेट लग गया, एक मिनट। यहाँ पे इसको छोटा ब्रैकेट कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट कर देते हैं, और इस पूरे पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और डिग्री इतना लिख सकते हैं, दोनों तरफ डिग्री अप्लाई कर दिया हमने, दोनों तरफ यहाँ पे डिग्री अप्लाई कर दिया। तो ये दो पॉलीनोमियल का प्रोडक्ट है ना, यस सर। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ क्यू टू एक्स माइनस क्यू वन एक्स, इस ब्रैकेट को बदल लिया जाए, प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स है ना। तो अजय विश्वकर्मा यस सर, यस सर, जरा अपना मेल आईडी ग्रुप में डाल देना ना। ओके सर। तो ये जो डिग्री हो जाएगी ये तो कितनी होगी जरा बताइए, इज ग्रेटर देन डिग्री जी एक्स, ऐसा कह सकते हैं। यस सर। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, नोट दैट ये फैक्ट है, क्यू टू एक्स माइनस क्यू वन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आर एक्स, अगर यह क्वांटिटी जीरो नहीं है तो यह भी जीरो नहीं होगा। कोई बता सकता है क्यों? अगर यह जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ए पॉलीनोमियल है, एक ए पॉलीनोमियल है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर यह फील्ड है तो एफ एक्स क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन, और इंटीग्रल डोमेन है तो अगर प्रोडक्ट जीरो नहीं है तो उनमें से कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हिडन रूप में ये फैक्ट यूज हो रहा है। आप कहेंगे कि अरे ये तो जीरो भी हो सकता है, पॉलीनोमियल की डिग्री तो जीरो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, है ना। तो हाँ, तो एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट, मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ तो यह मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो क्वांटिटी है जीरो नहीं होगी, इसको याद रखिएगा, क्योंकि एफ एक्स क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो यह जीरो नहीं है। अब यह जो है कांस्टेंट हो सकता है, तो इसकी ये जो क्वांटिटी है, ये जो डिग्री है, ये अभी शायद मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया था, तो ये कांस्टेंट हो सकता है, तो इसकी डिग्री जीरो हो सकती है, लेकिन ये जीरो होगी तो भी जीरो प्लस जी एक्स क्या होगा, अगर जीरो हो गया तो यह जो है इसके बराबर हो जाएगा, और अगर यह जीरो नहीं है तो यह होल नंबर होता है, तो इसका मतलब यह इससे बड़ा होगा। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि ये जो डिग्री है ये जी एक्स की डिग्री के बराबर या उससे बड़ा हो जाएगा, और क्या यह संभव है, जब आर वन एक्स की डिग्री जी एक्स से कम है, आर टू एक्स की डिग्री जी एक्स से कम है, तो इनके डिफरेंस की डिग्री जी एक्स से बड़ी हो सकती है? नो सर, दिस इज इम्पॉसिबल, कंट्राडिक्शन। ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमने जो ये माना, देयरफॉर हमने क्या माना था कि अगर यह जीरो नहीं है तो क्या होगा, इम्पॉसिबल आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो क्वांटिटी है ये क्या होगी, जीरो होगी। तो दैट इज ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, है ना, इसको जो भी 3 4 अगर यूज किए हैं तो ठीक है, नहीं यूज किए हैं तो यहाँ 3 रख दीजिए। अब देखिए, अगर यह अब यह इसके बराबर हो गया
तो यहाँ से क्या मिला, इसको ट्रिपल स्टार कर दें इस इक्वेशन को, तो यहाँ से क्या मिला, अगर यह जीरो हो गया तो इसका और इसका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। मेरा कर्सर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। अच्छा, मैं हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू आप रख देंगे, ये वैल्यू अगर जीरो हो गई तो यह क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? यूजिंग थ्री, यूजिंग, Q1 = Q2। हाँ यूजिंग थ्री इन ट्रिपल स्टार वी गेट क्यू टू, क्यू टू एक्स था कि क्यू वन एक्स था, जरा पलट लीजिए, Q2x क्यू टू एक्स, दिस इंटू जी एक्स इज इक्वल टू जीरो। और आप देखिए कि बट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो शुरू में हमने लिया है, और मैंने अभी यूज किया और मैंने बताया भी कि एफ एक्स क्या होता है, अगर यह फील्ड है तो एफ एक्स इंटीग्रल डोमेन होता है। तो इससे अब यह क्या एसर्ट किया है, एक मिनट, कहाँ गया, अभी अभी गायब हो गया। अच्छा, तो यहाँ से अब क्या मिला, Q2x -Q1x = 0। हाँ क्या ये बात सभी को क्लियर है? यस क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो प्रोडक्ट जीरो अगर है तो कोई एक जीरो होगा, है ना, और जी एक्स जीरो नहीं है तो जो दूसरा वाला बचा वही जीरो होगा, और अगर यह जीरो हो गया तो क्यू वन और क्यू टू में क्या अंतर आया, दोनों सेम हो गए ना, यस सर। इसका मतलब क्या मिला कि 10, ये जो क्यू एक्स और आर एक्स है ये यूनिक है, 10 हमने क्या पाया, इफ एफ एक्स, अगर हमारे पास कोई दो पॉलीनोमियल है और जहाँ पे ये जो है जी एक्स जीरो नहीं है, तो इस केस में देन देयर एग्जिस्ट, इस फैक्ट को हम लोग थ्रू आउट सेकेंड सेमेस्टर यूज करेंगे, है ना, यूनिक पॉलीनोमियल्स क्यू एक्स, मतलब कोसेंट भी यूनिक होगा, रिमाइंडर भी यूनिक होगा, इन एफ एक्स सच दैट, राइटिंग पढ़ ले रहे हैं आप लोग, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, वेयर जो स्टेटमेंट है मैं बस वही लिख रहा हूँ, आइदर आर एक्स इज इक्वल टू जीरो आर डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एफ एक्स, और सॉरी जी एक्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर हुआ भाई आप लोगों को? तो अच्छा, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है जीरो ऑफ पॉलीनोमियल? इस वैल्यू पे पॉलीनोमियल अच्छा, हमने डिवीजन की भी बात कर ही लिया है किसी भी रिंग में, है ना, डिवीजन का, फैक्टर का, ये सब बात हमने कर लिया है, तो हम जीरो ऑफ पॉलीनोमियल की बस बात कर लें, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल। तो लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, है ना, वेयर एफ इज ए फील्ड, एफ कोई फील्ड है और हमने एक पॉलीनोमियल लिया है, तो कोई एलिमेंट ए ले लें, लेट ए बिलोंग्स टू एफ, हम कहेंगे यह ए जो है, देन ए इज कॉल्ड, कॉल्ड ये जीरो की डिफिनेशन है, कॉल्ड जीरो ऑफ
पॉलीनोमियल एफ एक्स इफ, कब कहेंगे अगर एक्स क्यूब को ए से रिप्लेस करें तो पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, यही ना पढ़ा है आप लोगों ने। और इंडीड अगर हम कहें कि ए इन एफ इज कॉल्ड जीरो ऑफ एफ एक्स, जीरो ऑफ एफ एक्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी के, कब कहेंगे बता दीजिए, मल्टीप्लिसिटी के इफ, कैसे कहते हैं, एक्स माइनस ए पावर के डिवाइड्स एफ एक्स। अगर एक्स माइनस ए पावर के एफ एक्स को डिवाइड करता है लेकिन इसका इससे ज़्यादा पावर ले लें तो वह डिवाइड ना करे, डज नॉट डिवाइड एफ एक्स। जैसे अगर मैं कहूँ, आप सब लोग पॉलीनोमियल पढ़े हैं हाई स्कूल में भी और अन्य जगह पे, अगर मैं कहूँ कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इजक्वल टू जीरो, पॉलीनोमियल हमने एफ एक्स इजक्वल टू ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे एक्स की जगह वन रखें तो एफ वन क्या है, जीरो है ना, जीरो। इसका मतलब x इक्वल टू वन इज जीरो। अच्छा, अब अगर मल्टीप्लिसिटी की बात किया जाए तो हम देखते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर तो इसको डिवाइड करता है लेकिन x माइनस वन का होल पावर थ्री रेज टू पावर थ्री क्या है, fx को डिवाइड कर रहा है, यस सर कि नो सर, नो सर। तो इसका मतलब एक्स माइन एक्स बराबर वन इसका जीरो है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, टू है। तो मल्टीप्लिसिटी समझ में आई भाई आप लोगों को, क्या मल्टीप्लिसिटी समझ में आई? यस सर। हाँ, और लोग नहीं बोल रहे हैं, जुड़े हैं लोग की, आप लोग भी रिस्पांस दीजिए कुछ। yes. अच्छा, अब कोरोलरी हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं। ये मैंने सोचा था कि आप लोग खुद करेंगे लेकिन मैं चूँकि नेक्स्ट सेमेस्टर में बार बार इसको यूज करेंगे और न बताएं तो रेफर भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा देख ही लूँ आप लोगों ने पलटा कि नहीं। लेट एफ बी ए फील्ड, और इसका प्रूफ तो मैंने समझाया था शायद, एंड ए बिलोंग्स टू एफ और एक पॉलीनोमियल ले लिया जाए एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, तो हम कहते हैं देन ए इज ए जीरो ऑफ एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ, नहीं हम रिमाइंडर थ्योरम बता रहे हैं ना, सॉरी हम तो फैक्टर थ्योरम लिखने लगे, देन एक मिनट बात कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम की, तो देन एफ ए इज द रिमाइंडर, इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स माइनस ए डिवाइड्स एफ एक्स। तो हम कह रहे हैं कि अगर एफ एक्स को एक्स माइनस ए डिवाइड करेगा तो एफ ए रिमाइंडर होगा, है ना,
तो इसको प्रूव कैसे करते हैं, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस ए जो है जीरो पॉलीनोमियल नहीं है, और एफ एक्स जो है एफ एक्स का एक पॉलीनोमियल है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या मिलेगा बताएं आप लोग। अभी मैंने डिवीजन एल्गोरिथम बताया, देयर एग्जिस्ट यूनिक, एक यूनिक कोसेंट मिलेगा क्यूएक्स आर एक्स मिलेगा, सच दैट क्या होगा, एफ एक्स में एक्स माइनस ए का भाग देंगे तो क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर एक्स, वेयर आइदर आर एक्स इक्वल टू जीरो आर आर डिग्री आर एक्स इज लेस देन डिग्री माइनस इज लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए ए। एक्स माइनस ए की डिग्री क्या है भाई, वन है, तो दैट इज आइदर आर एक्स इक्वल टू जीरो आर आर एक्स इज अ कांस्टेंट, ना यही ना कांस्टेंट। तो अब जरा सोचिए बाय वन एफ ऑफ एक्स को ए से रिप्लेस करिए तो क्या होगा, क्यू ए इंटू ए माइनस ए प्लस आर ए, दिस इम्प्लाइज आर ए इक्वल टू एफ ए, है ना। लेकिन बट आर एक्स इज कांस्टेंट, आर एक्स तो आपने अभी बताया कि ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आर एक्स जब कांस्टेंट है तो एक्स पे डिपेंड करेगा क्या, तो आर एक्स जो होगा वो आर ए ही होगा, और आर ए जो है इसको टू कह दे तो आर ए कितना हो गया, एफ ए हो गया। आर एक्स क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट है। आर एक्स डिवीजन एल्गोरिथम में आर एक्स को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर रिमाइंडर ना, तो एफ ए रिमाइंडर हो गया ना, रिमाइंडर। तो कभी भी रिमाइंडर निकालना है तो ऐसे कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है भाई, अभी तक आप लोग प्रूफ नहीं पढ़े थे हाई स्कूल में, तो प्रूफ दे दिया जा रहा है। और लेट एफ बी ए फील्ड, याद रखिएगा डिवीजन एल्गोरिथम के प्रूफ में आप लोगों ने ए एन इंटू बी एम पावर माइनस वन यूज किया है, इसका मतलब कि यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट का यूनिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स मिल रहा है, तभी ये पॉसिबल है। मतलब इन जनरल इंटीग्रल डोमेन में यह रिजल्ट ट्रू नहीं है, है ना, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो फैक्टर थ्योरम क्या है कि मान लिया एफ एक फील्ड है और ए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, तो और एक पॉलीनोमियल ले लें, एंड लेट एफ एक्स बी एनी पॉलीनोमियल, तो हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इफ एंड वन लीफ ए इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल। यही है फैक्टर थ्योरम। मेरी आवाज पहुंच पा रही है ना बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो चलो एक्स माइनस ए को फैक्टर लिया जाए, या यहाँ से शुरू किया जाए, ए इज अ जीरो, ए इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स, तो डिफिनीशन से जीरो की डिफिनीशन से क्या होगा, एफ ए क्या होगा, जीरो होगा।
और एफ ए अगर जीरो हुआ, रिमाइंडर जीरो हुआ, एफ ए क्या है? एफ ए तो रिमाइंडर होता है, एफ ए इज रिमाइंडर। कब रिमाइंडर होता है? जब वेयर व्हेन व्हेन एक्स माइनस ए डिवाइड्स, या एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई, ऐसे लिख लिया जाए, इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। एफ एक्स को जब एक्स माइनस ए से भाग देते हैं तो एफ ए रिमाइंडर होता है। अब सोचो एफ ए क्या है यहाँ पे, जीरो। तो जब जीरो हो गया, रिमाइंडर जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस ए को एफ एक्स का क्या बोलेंगे ना? फैक्टर बोलेंगे, यही ना है भाई डिफिनेशन। एक्स माइनस ए को हम फैक्टर कहते हैं जब जो है रिमाइंडर क्या हो, जब यह इसको डिवाइड करे, है ना। एक मिनट, ये फैक्टर मतलब दैट इज एक्स माइ दैट इज एक्स माइनस ए डिवाइड्स एफ एक्स। ये सब तो बेसिक रिजल्ट्स थे जो हमने आप लोगों के लिए छोड़ा था, और एक और जो है इसी पे बेस्ड रिजल्ट है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, और बाद में हम जो है फील्ड थ्योरी में भी इसकी बात करेंगे। अब पॉलीनोमियल, इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, आप लोग पलटिएगा। पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन, कोई एन डिग्री का पॉलीनोमियल लीजिए ओवर अ फील्ड, ओवर ए फील्ड एफ हैज, अगर एन डिग्री का पॉलीनोमियल आप लोग सुनते आ रहे हैं कि हैज एटमोस्ट, अगर एन डिग्री का पॉलीनोमियल लें तो उसके कितने रूट्स मिलते हैं? एटमोस्ट एन एन जीरोज काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, है ना, एन जीरोज मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी को काउंट करते हुए। तो प्रूफ को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, तो आप लोग पलटिएगा और इसको इंडक्शन से ही प्रूफ करेंगे, है ना, इंडक्शन से ही प्रूफ करेंगे। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये आपको तरीका देगा कि प्रूफ कैसे हम लिखते हैं। हमारा जो गोल है आज का, जो मेन रिजल्ट है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और हम लोग बार बार इसको यूज करेंगे, थ्योरम लेट एफ बी ए फील्ड देन, ये जो पॉलीनोमियल रिंग है एफ एक्स, यह इज पी आई डी। और जब यह पी आई डी हो गया तो इन पर्टिकुलर, ये तो आप लोगों को मैंने बताया कि यह यूक्लिडियन डोमेन भी होता है ना, और हर यूक्लिडियन डोमेन पी आई डी होता है, तो वहाँ से बात बन गई। हर पी आई डी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि एफ एक्स इज यू एफ डी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो बहुत सारी बातें हैं, बस हम फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करते हैं कि अगर ये फील्ड है तो एफ एक्स पी आई डी होगा, ठीक है, इसको पूरा कर लिया जाए ना। यस यस सर। चल, ये मेन रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो पी आई डी के लिए कैसे प्रूव किया जाए, डिफिनीशन क्या है? हम एक इसका आइडियल ले लेते हैं, लेट ए बी एन आइडियल ऑफ एफ एक्स। इस आइडियल पे क्या पॉसिबिलिटी है? यह या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। अगर यह जीरो है तो आपको पता है कि यह जीरो है, तो जीरो से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, है ना, इसका मतलब यह तो प्रिंसिपल आइडियल हो गया। हमें क्या दिखाना है? अच्छा बताइए, ये बात पता चल जाए तो हम लोग सब कर सकते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट एवरी आइडियल ऑफ एफ एक्स इज ए प्रिंसिपल आइडियल, है ना। तो सपोज दैट, अब मान लेते हैं कि ये जीरो नहीं है,
कुछ ऑथर्स इसको, चूंकि ये ट्रिवियली ट्रू है, तो सीधे नॉन जीरो आइडियल से स्टार्ट करते हैं. सपोज दैट आई इज नॉन जीरो. अगर यह नॉन जीरो तो क्या होगा भाई? इसमें देन आई हैज नॉन जीरो एलिमेंट, एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस तो हम क्या करते हैं, एक पॉलीनोमियल चुनते हैं इसमें जो इसकी डिग्री मिनिमम है. लेट जी एक्स इन आई सच दैट डिग्री ऑफ जी एक्स इज मिनिमम. और याद रखिएगा यह जो है चॉइस मिलेगा. कैसे मिलेगा? मैंने पीछे भी प्रूव किया है. मैं यहाँ हिंट दे दूँ, एक सेट बना दीजिए जिसको यस कह दीजिए कि डिग्री एफ एक्स ले लीजिए, जहाँ पे एफ एक्स इन जितने आई में नॉन जीरो एलिमेंट हैं उन सब की डिग्री ले लिया, तो यह होल नंबर होगा और सबसेट ऑफ एन यूनियन जीरो होगा. अगर इसमें जीरो है तो मिनिमम जीरो ही होगा. अगर सारे नॉन जीरो हैं तो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर लें तो उसमें एक लिस्ट एलिमेंट मिलता है. आप लोगों को मैंने बताया था वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, बताया गया था कि नहीं? इवरी नॉन एम्प्टी यस सबसेट ऑफ वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, इवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन हैज ए लिस्ट एलिमेंट. इस फैक्ट से ये चॉइस मिलेगा. तो हम इतना न कह करके बढ़ा करके हम सीधे इस पे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा हमने पीछे किया है. तो सीधे हम इस पे आ जाएं कि जी एक्स जो है आई में है इस तरीके से कि इसकी डिग्री मिनिमम है. हम कहना चाहते हैं, क्लेम हमारा है कि जो मिनिमम डिग्री का पॉलीनोमियल होगा वही आई को जनरेट करेगा ना, वही आई यस को जनरेट करेगा. तो इसको कैसे कहा जाए, सिंस जी एक्स इन आई, तो इसका मतलब क्या होगा? इससे जनरेटेड इसका कोई भी मल्टीपल लेंगे तो वह भी आई में ही होगा. इसका मतलब इसके जनरेटेड जो आइडियल होगा वो आई का सबसेट होगा. ऐसा लिख सकते हैं? ये बात नहीं समझ में आई क्या? अगर जी यस एक्स सर आई में है तो कोई भी एलिमेंट लेंगे, इसका मल्टीपल जी एक्स का मान लीजिए, एच एक्स इंटू जी एक्स कहें, तो चूंकि आई आइडियल है ना तो वह भी आई में ही बिलोंग करेगा. आई में होगा और जितने जी एक्स के मल्टीपल हैं वो वही ना इसमें इससे जनरेटेड आइडियल में कलेक्ट करते हैं. तो इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट इस टाइप के हैं और वो आई में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब यह इसका सबसेट है. कोई दिक्कत किसी को? सर मेन हमारा गोल है कि हम ये दिखाएं कि यह इसका सबसेट है. तो विजय, अच्छा ये अजय विश्वकर्मा, बोलो बेटा क्या किया जाए? कैसे किया जाए? एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया जाए आई का, ठीक है? एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया आई का और सिंस जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. देखिए जितने नॉन जीरो पॉलीनोमियल हैं यहाँ पे, देखिए हैज ए लेट जी एक्स इन आई सच दैट डिग्री जी एक्स इज मिनिमम. यहाँ पे ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि आई ये जी एक्स जीरो भी हो सकता है. अगर यह कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, है ना, जीरो को बाहर कर लीजिएगा, क्योंकि डिग्री हम जीरो पॉलीनोमियल की डिफाइन नहीं करते. क्लियर? यस सर तो ये बल्कि यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, इसको जो है ऐसे कर लीजिए, नहीं तो सोचेंगे कि तो गलत है. सच दैट दिस
एक मिनट बेटा बस। हाँ हेलो, हाँ नमस्कार, कहाँ हैं? क्या आरिफ सर यूनिवर्सिटी में है क्या? हाँ अर्दली बाज़ार आ जाइए, विंध्यवासिनी कॉलोनी। गेट नंबर 1 खुला हुआ है, उसी से इंटर करिए। अभी हम 5 मिनट में बता रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, आइए आप तब तक। हाँ बेटा, तो मैं बात कर रहा था कि जी एक्स तो नॉन जीरो है, तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा? आप सब लोग बताओ। QX और RX एग्जिस्ट करेगा टाइम। हाँ बाई डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलीनोमियल क्यू एक्स आर एक्स इन एफ एक्स सच दैट जी एफ एक्स इजक्वल टू कितना लिखेंगे? क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस प्लस आर एक्स, जहाँ पे क्या होगा? आइदर आर एक्स इज इक्वल टू 0 जीरो आर और डिग्री आर एक्स क्या होगा बताइए? ≤ डिग्री जी एक्स। तो ये भाषा अगर आपको अलगर्थम पता है तो आसानी से लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर इसमें क्या किया हमने, कुछ किया है? 1 2, इसको 2 लिख दिया जाए, यहाँ 2 लिख दिया जाए। अब देखिए यहाँ से, एक मिनट, इसको 2 कर लिया जाए। तो बाई टू आर एक्स को कितना लिख सकते हैं भाई? एफ एक्स माइनस क्यू एक्स इंटू जी एक्स। अब देखिए एफ एक्स भी आई में है, जी एक्स भी आई में है, आई आइडियल है, तो ये पूरा पूरा आई में बिलोंग करेगा कि नहीं? Yes, तो एफ एक्स जी एक्स आई में था, इस वजह से आर एक्स भी आई में बिलोंग किया। तो अगर जस्ट सोचिए, अगर आर एक्स नॉन जीरो है तो बाई यहाँ से क्या मिलेगा? आर एक्स इज नॉन जीरो तो कौन सी पॉसिबिलिटी होगी? वेरी गुड वेरी गुड। और ये बताइए कि ये पॉसिबल है नो सर, क्यों? आरएक्स बड़ा इम्पॉसिबल बिकॉज, क्यों इम्पॉसिबल है? आपने जी एक्स कैसा डिग्री चुना? ऑफ जीएस मिनिमम लिया है। वेरी गुड। जी एक्स ये जो है ये मिनिमम है, तो इससे छोटा तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना? तो जब ये सबसे छोटा है तो इससे छोटा मिलेगा नहीं, जबकि कह रहे हैं यहाँ पे ये है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब कि आर एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो आर एक्स क्या होगा? जीरो होगा। जीरो होगा तो एंड सो टू गिव्स, तो टू कितना हो जाएगा भाई? क्या नाम एफ था? एक्स इक्वल हाँ वैशाली श्रीवास्तव कोई है क्या? क्या नाम था कोई श्रीवास्तव करके थी? एक मिनट, चलो कोई बोलो, अन्नू सिंह बोलो। क्या लिखेंगे? अरे भाई रख दो यहाँ पे 2 में ये वैल्यू, तो इतना हो गया। और ये देखो जी एक्स का मल्टीपल है ना, यस सर, जनरेट कर। इसका मतलब जी एक्स से जनरेटेड आइडियल में बिलोंग करेगा। तो आपने क्या पाया कि एफ एक्स तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट आई का लिया था ना, आई सबसे अच्छी एक कहाँ आ गए? एक मिनट बेटा रुको,
तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, दिस सोल यस दैट सर। आई इज ए सबसेट ऑफ। अब इतना तो आप लोग पढ़ाते पढ़ाते भाषा हमारी समझ ही गए होंगे। तो हमें क्या मिला, 10। आपने दिखा कि जी एक्स सबसेट आई है, आई सबसेट जी एक्स, तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू जी एक्स। तो यह क्या है, दैट इज आई इज ए प्रिंसिपल आइडियल। हेंस अब इवरी आइडियल इज ए प्रिंसिपल आइडियल, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया, पी आई डी। कोई दिक्कत किसी को? तो चलो आज इतना ये रहा, अब इसको आप लोग पलटना। और अब इसके बाद